अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज बुष्टा राजपूत और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही मजे का टोमेटो सूप विद गार्लिक क्रोटॉन्स लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें सिर्फ देख लें पांच टमाटर है एक बड़ा गाजर था उसको मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है तीन गार्लिक है उसको बस आप पील कर लें एक बड़ा प्याज था या बड़ी प्याज थी उसको मैंने चार टुकड़े कर लिए हैं बस आपने लेना है चार कप पानी एक डीप पॉट में लीजिएगा जिसमें आपको लगे कि भाई सूप बनने के लिए आप छोड़ सकते हैं ठीक है उसमें आप ये सारा सामान डाल देंगे लास्ट चीज जिसमें जाना बाकी रह गई है वो है चिकन क्यूब या फिर चिकन पाउडर कोई भी ब्रांड हो वन टेबल स्पून भर के जाएगा अगर चिकन क्यूब है तो वो एक चिकन क्यूब जो कि मैं यूज कर रही हूँ मेरे पास कन् की थी आपको जो ब्रांड मिले ये मैं नहीं कह रही कि इम्पोर्टेड हो या फिर लोकल हो कोई भी ब्रांड मिले आपको आपने वो चिकन क्यूब डालनी है वरना एक टेबल स्पून चिकन पाउडर इस फ्लेम पे आप इसको छोड़ देंगे बीस पच्चीस मिनट तक बीस पच्चीस मिनट बाद बहुत ही अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा था यकीन जाने <laughs> और इसकी ये देखें कंसिस्टेंसी भी देख लें साथ में ये मशी मशी हो गए थे ये देखें एक और करके दिखाती हूँ बिल्कुल ऐसे थोड़ी देर इसको ठंडा होने छोड़ दें मैंने पंखा खोल दिया था फ्लेम ऑफ़ कर दिया और ये ठंडा हो गया था अब आपने इसको ब्लेंड करना है अच्छे से जूसर ले लें ग्राइंडर ले लें हैंड ब्लेंडर है आपके पास बोलें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और छानना है ठीक है ये देखें ये मेरी ओवर एक्साइटमेंट में हुआ था ऐसे ये आपने नहीं करना है कोई मदद ज़रूर बुलानी है फिर मेरी बहन ने आके हेल्प की है और उसके बाद छाना है हमने उसको अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी बहुत अच्छी है इसमें मैं कोई कॉर्नफ्लार कोई मैदा कुछ भी थिकनिंग एजेंट नहीं डालूंगी थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अपने हिसाब से डालें और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर एक चीज़ है ऑप्शनल ये है औरिगनो या औरिगानो मिक्स हो आप डाल सकते हैं अगर अवेलेबल है वरना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता बस थोड़ा सा अरोमा अच्छा हो जाता है एक बॉइल दिया है मैंने इसको वापस एंड इट्स डन गार्लिक क्रोटॉन बनाते हैं वन टेबल स्पून आप लेंगे बटर वन टेबल स्पून आप लेंगे ऑयल इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड गार्लिक जो कि बाहर गिर चुका है कोई बात नहीं समेट लेते हैं समेट लिया अब मैं थोड़े से डाल रही हूँ मिक्स हर्ब्स ये ऑप्शनल है मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स अच्छे से उसको मिक्स कर लें चाहे तो आप 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं ताकि बटर मेल्ट हो जाए वरना रूम टेम्परेचर पे बटर ले लें अब क्या करना है आपने इसमें ये मैंने दो ब्रेड लिए हुए हैं और उस पर आपने ये सारा अपना बैटर लगा देना है फ्राइंग पैन पर आप इसको रख देंगे और बिल्कुल लो हीट पर इसको पकने छोड़ दें अगर आपको ऐसा कलर चाहिए कैसा ऐसा ठीक है इसको आप बनने छोड़ दें मैंने इसको बस सेक लिया था दोनों साइड्स आप सेक लें और उसके बाद जो है आपने क्या करना है इसको काट लेना जिस तरीके से भी आपको काटना है ट्राइंगल्स काटने स्क्वायर काटने बस मेरा प्लेटर भी रेडी था सूप बोल भी रेडी था और ये सूप भी रेडी है है ना खूबसूरत बस अब आप इसको सर्व कर दीजिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना आई वेट फ्योर फीडबैक अल्लाह हाफिज़